नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। हरियाणा में रादौर के गांव धोलरा में तेज रफ्तार कार ने 5 कांवड़ियों को कुचल दिया। हादसे में 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं। चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने कार को सड़क किनारे पलट दिया और उसमें आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को बुझाया। इसके बाद कांवड़ियों ने एसके रोड पर जाम लगा दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही रादौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भिजवाया गया और कांवड़ियों को शांत करने की कोशिश की। राजस्थान में जुलाई महीने में ही बांध तालाब छलकने लगे हैं। कोटा बैराज, कालीसिन, भीमसागर, गुडा डैम का जलस्तर बढ़ने पर गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। इधर जयपुर सहित 5 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर डैम में पिछले 24 घंटे के दौरान 40 सेंटीमीटर तक पानी आया। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात टोंक के बीसलपुर बांध पर 172 mm दर्ज हुई। टोंक के अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और नागौर में भी अच्छी बारिश हुई। जयपुर मौसम केंद्र ने उदयपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर जिले में कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 3 दिनों तक अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, पाली, जालौर और बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में ठगी कर 5 तोला सोने के कंगन ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपी 2 थे और दोनों ने सोना चांदी साफ करने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। विश्वास जमाने के लिए चांदी की पाइजेब को साफ कर दिखाया। अजय नगर निवासी संध्या परवानी ने पुलिस थाने में बताया कि 2 व्यक्ति हमारे घर पर आए और बरसात में भीगने के कारण मदद करने के लिए घर में आए। उनको चाय पिलाई। इस दौरान वे बोले कि वे बर्तन व सोना चांदी साफ करते हैं। फिर उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को चांदी की पाइजेब साफ करके दिखाई। फिर पूछा कि सोना है तो उसे भी साफ कर देती हैं। इसके बाद करीब 5 तोला हाथों में सोने के कंगन दिए। इसके बाद उन्होंने कुकर में इसे डालकर हल्दी लाने के लिए भेज दिया। इस बीच पति बाहर काम से चले गए। हल्दी लेकर आई तो कुकर में हल्दी डाल दी और कहा कि 15 मिनट तक पड़े रहने देना। इसके बाद वे चले गए। जब 15 मिनट बाद कुकर को देखा तो उसमें कंगन नहीं थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जयपुर जिले में 7 मिनट में 90 लाख रुपए के डायमंड चोरी होने का मामला सामने आया है। बदमाश डायमंड के साथ 3 लाख रुपए कैश भी ले गए। बदमाशों ने डायमंड के साथ रह रही ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात जयपुर के ब्रह्मापुरी थाना इलाके में हुई। डीसीपी परिस देशमुख ने बताया कि घटना ब्रह्मापुरी इलाके के माउंट रोड स्थित जगदीश कॉलोनी की है। घटना का पता डायमंड कारोबारी नवेद चौधरी अपनी गद्दी पर पहुंचा तब चला। उसे शटर पर लगे दोनों ताले टूटे हुए नजर आए। कारोबारी ने अंदर जाकर देखा तो करीब 90 लाख रुपए का तैयार डायमंड और 3 लाख की नकदी गायब मिली। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। सीकर में मोबाइल शोरूम मालिक से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में RTI एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद कई लोग सामने आए थे। तब खुलासा हुआ कि एक्टिविस्ट ने अलग अलग लोगों से करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। अब शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने RTI एक्टिविस्ट पप्पू सिंह जाट को गिरफ्तार किया है। शिक्षण संस्थान के पीयूष ने बताया कि RTI एक्टिविस्ट जाट ने पिछले 1 साल से कई बार उनके संस्थान और संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ अपनी फेसबुक आईडी पर झूठी, भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट डाली। उसने संस्थान में व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि वह RTI एक्टिविस्ट है, 20 लाख रुपए दे दो, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना बंद कर दूंगा। अमृतसर में शार्प शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड ने मुंह खोला है। गोल्डी ने कहा कि मैंने इन दोनों को सरेंडर करने को कहा था। उन्होंने कहा कि हम तुझे अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दिखाकर जाएंगे। रूपा और मन्नू ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। यह मर्डर कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही करवाया था। गोल्डी ने सोशल मीडिया पर एनकाउंटर के बारे में बयान दिया है। गोल्डी बराड़ ने लिखा कि थोड़े दिन पहले अमृतसर एनकाउंटर में हमारे 2 भाइयों की मौत हो गई। जगरूप और मनप्रीत दोनों भाई हमारे बब्बर शेर थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम हमेशा इनके एहसानमंद रहेंगे। इनकी फैमिली के लिए हर वक्त हाजिर हैं, पूरी मदद करेंगे।
मैं छोटे भाई गोली काजीकोट का धन्यवाद करता हूँ जिसने इन दोनों की मुझसे मुलाकात करवाई थी। एनकाउंटर के दिन जब पुलिस से टकराव हुआ तो जगरूप का मुझे फोन आया था। उसने बताया कि पुलिस ने हमें घेर लिया है। उस वक्त मैंने उसे कहा था कि सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। आगे से शेर कहते हैं कि भाई तुझे अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दिखानी है, हम सरेंडर नहीं करेंगे। पुलिस मीडिया में चला रही है कि अंकित सिरसा को मैंने पैसे नहीं दिए, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरा भाई है, उनका सबका मैंने सेट कर दिया है, पुलिस ऐसी गलत बातें न करे। हरियाणा में पेट्रोल पंप लूटकर तीन बदमाशों के राजस्थान की ओर भागने की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी कर दो बदमाशों को दबोच लिया लेकिन एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने लुटेरों से लूट की राशि 1,60,000 रुपये बरामद किए हैं। मामला हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस थाना इलाके का है। रावतसर थाना प्रभारी रविंदर नरुक्का ने बताया कि पुलिस ने 26 वर्षीय दीपक सिंह और 20 वर्षीय अजय उर्फ अज्जू निवासी सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार बदमाश की पहचान सुंदर जानी बिश्नोई निवासी आदमपुर हिसार के रूप में हुई है। चूरू शहर के वार्ड 54 में कूलर ठीक करते समय 17 वर्षीय बालक की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगने के बाद परिवार के लोग घायल को डीबी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस पहुंची। चौकी प्रभारी कृष्ण देव ने बताया कि वार्ड संख्या 54 निवासी 17 वर्षीय रूपेश सैनी घर में कूलर सही कर रहा था, इसी दौरान वह करंट लगने से बेहोश होकर नीचे गिर गया, बाद में उसकी मौत हो गई। बीकानेर जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान में कार्यों में लापरवाही बरतने पर नगर विकास न्यास ने के मुंशी हनुमान सिंह को निलंबित कर दिया है। नगर विकास न्यास सचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि न्यास द्वारा 26 मई को आदेश जारी करते हुए हनुमान सिंह की ड्यूटी कच्ची बस्ती नियमन से न्यास के जयनारायण व्यास नगर योजना के सेक्टर 8 स्थित सामुदायिक भवन में लगाई गई थी। इसी श्रृंखला में 14 जून को कच्ची बस्ती नियमन का समूचा चार्ल्स कनिष्ठ लिपिक शकील अहमद को देने के लिए आदेश जारी किए गए लेकिन हनुमान सिंह द्वारा कच्ची बस्ती नियमन संबंधी कागजात शकील अहमद को सुपुर्द नहीं की गई। इसे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण में चल रहे शिविरों से संबंधित पत्रावलियों का कार्य संपादन नहीं किया जा रहा है। आहूजा ने बताया कि राजकीय कार्य के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही बरतने तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करने के कारण हनुमान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। भरतपुर जिले के नदबई लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव कोठेन कला में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर महिला का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक महिला राखी सैन का शव उसके कमरे में लटका हुआ मिला। करीब 5 माह पहले कोठेन कला निवासी रवि सैन के साथ राखी की शादी हुई थी। मृतका के पिता आगरा निवासी राजेंद्र ने मृतका के पति रवि, सास मुन्नी ननद आयशा और मेहंदी के खिलाफ उसके पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।